हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज के इस वीडियो में मैंने इग्नू के 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं ऑन रिसर्च मेथडोलॉजी फॉर अपकमिंग इग्नू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2021 एंड 2022। आज के इस वीडियो में मैंने मेनली हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड सैम्पलिंग पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इन टॉपिक्स से एग्जाम में 4 to 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और इट इज एक्सपेक्टेड कि इग्नू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की डेट जल्द ही अनाउंस करने वाला है, इसलिए आपके प्रिपरेशन के लिए हमने रिसर्च मेथडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स और पेड व्हाट्सएप ग्रुप लॉन्च करा है। इस कोर्स से आपकी रिसर्च मेथडोलॉजी की प्रिपरेशन 4 to 5 days में ही कंप्लीट हो जाएगी, जिससे कि आप आपका बचा हुआ टाइम सेक्शन बी और इंटरव्यू प्रोसेस में स्पेंड कर सकते हो। और हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, और मैसेज करने के 15 टू 20 मिनट्स में हम आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो हमारे रिसर्च मेथडोलॉजी के कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एंड 700 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ द लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आप हमारा रिसर्च मेथडोलॉजी का ये कोर्स फॉलो करते हो तो रिसर्च मेथडोलॉजी में जो कि आपका सेक्शन ए होता है, आप इजीली उस सेक्शन को क्लियर कर लोगे। और हमारा जो ये स्टडी मटेरियल है, ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में जैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने कवर करे हैं। हमारे नोट्स में हमने जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हमने हाईलाइट कर बताया हुआ है। सो हमारे नोट्स और मॉक टेस्ट को आप 1 वीक में ही कंप्लीट कर सकते हो, और जो आपका बचा हुआ टाइम है वो आप आपका सेक्शन बी पर लगा सकते हो। सो सेक्शन बी के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप आपका पोस्ट ग्रेजुएशन और मास्टर्स के स्टडी मटेरियल फॉलो करिए। इन केस आपके पास सेक्शन बी के लिए स्टडी मटेरियल नहीं है तो हम सेक्शन बी का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। सो हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, एंड फी फॉर द कोर्स इज जस्ट 499। एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कंटिन्यूस वेरिएबल का एग्जाम्पल हमें किस ऑप्शन में गिवन नहीं है। अब आपको याद रखना है, रिसर्च में जो वेरिएबल्स होते हैं आपके, वो 2 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है कंटिन्यूस वेरिएबल और एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल। अब कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होता है? कंटिन्यूस वेरिएबल में आपके सारे वैल्यूज पॉसिबल होंगे, जैसे 1, 1.1, 1.2, 3, 3.4, सारे वैल्यूज पॉसिबल हो वो आपका हो जाएगा कंटिन्यूस वेरिएबल। और डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? जिसमें सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे वैल्यूज पॉसिबल हो। मतलब डिस्क्रीट वेरिएबल में 1 और 2 के बीच में जितने वैल्यूज लाइक करते हैं, जैसे 1.1, 1.2, 1.3 एंड सो ऑन। सो ये सारे जो डेसिमल में आपके जो वैल्यूज होते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल में पॉसिबल नहीं हो सकते। ओके, सो याद रखना है आपको वेरिएबल्स के 2 टाइप होते हैं, एक होता है कंटिन्यूस एंड नेक्स्ट इज डिस्क्रीट। कंटिन्यूस वेरिएबल में आपके हर एक वैल्यूज पॉसिबल होगी, और डिस्क्रीट वेरिएबल में जो आपके डेसिमल में वैल्यूज होते हैं वो पॉसिबल नहीं होते। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि कंटिन्यूस वेरिएबल का एग्जाम्पल हमें किस ऑप्शन में गिवन नहीं है। सो हम 1 by 1 ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, बॉडी वेट। बॉडी वेट क्या हो सकता है? जैसे किसी का 30.5 हो गया, किसी का 70.1 हो गया, किसी का 60.2 हो गया। सो यहाँ पर आपका जो बॉडी वेट होगा, बॉडी वेट में सारे वैल्यूज पॉसिबल है, सो ये आपका कंटिन्यूस वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि कंटिन्यूस वेरिएबल का ऑप्शन एग्जाम्पल हमें किस ऑप्शन में गिवन नहीं है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये तो कंटिन्यूस वेरिएबल का एग्जाम्पल हो गया। देन हम ऑप्शन सी देखेंगे, बॉडी टेम्परेचर। सो बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? हमारा जो एवरेज बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 36.1 से लेकर 37.2 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है। मतलब 36.1 से 37.2 के बीच में जितने भी वैल्यूज लाए करेंगे वो सारी वैल्यूज पॉसिबल है। सो बॉडी टेम्परेचर जो है आपका, ये भी कंटिन्यूस वेरिएबल में आ जाएगा, कंटिन्यूस वेरिएबल का एग्जाम्पल हो गया। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन डी, एचबी लेवल। एचबी लेवल क्या होता है? होमोग्लोबिन लेवल, कि आपके बॉडी में कितना ब्लड है। अब एचबी लेवल कैसा हो सकता है? जैसे किसी का 10.2 होगा, किसी का 9.1 होगा, किसी का 11.2 होगा। सो यहाँ पर एचबी लेवल में भी हर एक आपके वैल्यूज पॉसिबल है, सो ये भी कंटिन्यूस वेरिएबल का एग्जाम्पल हो गया। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। देन
ऑप्शन बी ब्लड ग्रुप। सो ब्लड ग्रुप जो होता है आपके, ब्लड ग्रुप में आपने कभी ना देखा होगा कि वैल्यूज आती है। ब्लड ग्रुप किसी का ए पॉजिटिव होता है, किसी का ए बी पॉजिटिव, किसी का ओ पॉजिटिव, किसी का ओ नेगेटिव। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ब्लड ग्रुप में वैल्यूज पॉसिबल नहीं होती है। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ब्लड ग्रुप। क्योंकि ब्लड ग्रुप जो होता है, ब्लड ग्रुप में आप देखते हो कि कोई वैल्यूज नहीं पॉसिबल होगी। ओके, डेसिमल में कोई वैल्यूज नहीं पॉसिबल होती है। सो ब्लड ग्रुप जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आंसर। सो ब्लड ग्रुप इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, in a two tail test for the population mean, if the null hypothesis is rejected when the alternative is true, then इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपने एक टेस्ट परफॉर्म किया जो कि टू टेल टेस्ट परफॉर्म किया एक पॉपुलेशन के मीन से। अगर आपने उस केस में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लिया, कब? जब आपकी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थी वो ट्रू थी। अगर आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू थी और आपने उसको रिजेक्ट कर लिया, सो इस केस में आपने कैसे डिसीजन लिया कि आपने टाइप वन एरर कर दिया, टाइप टू एरर कर दिया, या फिर आपका जो डिसीजन था वो करेक्ट था? हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेम्बर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू होती है और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, देन आपका वो जो डिसीजन हो जाएगा ये करेक्ट डिसीजन हो जाएगा। अगर आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है फिर भी आप उसको रिजेक्ट कर ले रहे हो, सो ये आपका हो जाएगा टाइप वन एरर। अगर आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है फिर भी आप उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हो, सो ये हो जाएगा आपका टाइप टू एरर। अगर आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है और उसको आप रिजेक्ट कर ले रहे हो, सो आपका जो डिसीजन है वो करेक्ट डिसीजन हो जाएगा। सो ये हो गया आपका नल हाइपोथेसिस से रिलेटेड। बस इन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा है आपको और थोड़ा ट्रिकी पूछा है, थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन बहुत इजी और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस है आपने उसको रिजेक्ट कर लिया। नल हाइपोथेसिस को आपने रिजेक्ट कर लिया कब? जब आपकी अल्टरनेटिव ट्रू है। आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू है और आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लिया, मतलब आपके नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तो ट्रू है। आपने अगर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लिया और आपकी हाइपोथेसिस अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू है तो आप इसी को एक्सेप्ट कर लोगे ना, और आपके जो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट है, मतलब अगर आपके अल्टरनेटिव ट्रू है और आपने नल को रिजेक्ट कर लिया तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, आपके अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लोगे। सो इस केस में आपने जो डिसीजन लिया वो क्या लिया, करेक्ट डिसीजन लिया। बिकॉज यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन में ही बड़ा हिंट गिवन है कि अल्टरनेटिव इज ट्रू। आपने नल को रिजेक्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली आप अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लेते हो, और इस केस में अल्टरनेटिव ट्रू है, जो चीज ट्रू है आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आपका डिसीजन क्या होता है, करेक्ट डिसीजन होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आप जो डिसीजन लोगे इस केस में वो आप करेक्ट डिसीजन लोगे। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अ करेक्ट डिसीजन इज मेड। नेक्स्ट, Which of the following is a qualitative variable? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि क्वालिटेटिव वेरिएबल का एग्जाम्पल हमें किस ऑप्शन में गिवन है। अब रिसर्च में दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव वेरिएबल एंड सेकेंड होगा आपका क्वांटिटेटिव वेरिएबल। सेकेंड होगा आपका क्वांटिटेटिव वेरिएबल। अब क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या होता है, जिसे नेम में ही मीनिंग है, जो किसी चीज के क्वालिटी को बताता है, जो किसी चीज के फीचर्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। सो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में जो भी आपके पास डेटा होगा वो उस डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा, कोई भी थिंग्स की फीचर्स बताएगा। और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में जो भी आपके पास डेटा होगा वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। सो दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, आपको याद रखना है, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में आपके पास जो भी डेटा होगा वो उस डेटा की क्वालिटी को बताएगा, एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल में जो भी आपके पास डेटा होगा वो नंबर्स के फॉर्म में होगा। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है हमें क्वालिटेटिव वेरिएबल का एग्जाम्पल हमें किस ऑप्शन में गिवन है। सो हम वन बाय वन ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी, नंबर ऑफ पीपल प्रिफरिंग टू ईट एट मैकडोनल्ड्स। कितने नंबर ऑफ पीपल प्रीफर करते हैं मैकडोनल्ड्स में खाना खाने के लिए, कुछ ईट करने के लिए। सो यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल, सो आपके पास कितने नंबर ऑफ पीपल होते हैं, मान लीजिए 70% जो पीपल है वो प्रीफर करते हैं मैकडोनल्ड्स में कुछ खाने के लिए। सो यहाँ पर आपके पास जो डेटा है वो नंबर्स के फॉर्म में है, सो ये क्वालिटेटिव वेरिएबल का एग्जाम्पल नहीं होगा बल्कि ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया। देन ऑप्शन सी, प्रैक्टिकल मार्क्स फॉर बायोकेमिस्ट्री कोर्स। बायोकेमिस्ट्री एक कोर्स है, उसमें आपको जो प्रैक्टिकल मार्क्स मिले हैं, मान लीजिए 100 मार्क्स है, आउट ऑफ 100 आपको 70 मिले हैं। सो यहाँ पर जो भी आपके पास डेटा
है वो क्या है, नंबर्स के फॉर्म में हो रहा है। अगेन ये आपका क्वांटिटेटिव वेरिएबल का एग्जांपल होगा, नॉट क्वालिटेटिव। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम एनेमिया। सो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मान लीजिए 60 नंबर ऑफ चिल्ड्रन, 60 चिल्ड्रन ऐसे हैं जो एनेमिया से सफर कर रहे हैं, उनको एनेमिया डिसीज हुई है। सो यहाँ पर अगेन आपके पास जो डेटा है ये नंबर्स के फॉर्म में है, यहाँ पर नंबर लिखा है ऑलरेडी। सो ये आपका क्वांटिटेटिव वेरिएबल हो गया। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए, अ फेवरेट ब्रांड ऑफ चिप्स। ये चिप्स की क्वालिटी बता रहा है कि आपके कौन से ब्रांड का चिप्स आपको अच्छा है, अच्छा लगता है, कौन सा आपका फेवरेट ब्रांड ऑफ चिप्स है, जैसे लेस हो गया, बिंगो हो गया, तो ये सारे आपके चिप्स के ब्रांड्स है। सो ये चिप्स की क्वालिटी बता रहा है। सो ये आपके क्वालिटेटिव वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अ फेवरेट ब्रांड ऑफ चिप्स। नेक्स्ट, अ सैम्पलिंग प्लान इन विच अ हेटरोजीनियस पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड सिंपल रैंडम सैंपल्स फ्रॉम द ग्रुप्स आर सिलेक्टेड एज। इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन गिवन है सैम्पलिंग की, और हमें फाइंड आउट करना है ये कौन सी सैम्पलिंग की डेफिनेशन होगी। अब इस डेफिनेशन में आपको बता रहा है कि एक पॉपुलेशन है जो कि हेटरोजीनियस पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन है वो हेटरोजीनियस पॉपुलेशन है। हेटरोजीनियस पॉपुलेशन को आप ग्रुप्स में डिवाइड कर ले रहे हो और उस ग्रुप में से आप रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट कर ले रहे हो। सो ये आपकी सैम्पलिंग हो जाएगी, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की डेफिनेशन। अब स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है, इस डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आपके पास जो पॉपुलेशन है ये एक हेटरोजीनियस पॉपुलेशन है। हेटरोजीनियस पॉपुलेशन इसलिए है बिकॉज इसमें मेल है, फीमेल्स है, चिल्ड्रन है, मेन है, वीमेन है एंड चिल्ड्रन है, सारे एज ग्रुप के लोग से, सारे जेंडर के लोग हैं। सो ये आपकी हेटरोजीनियस पॉपुलेशन हो गई। सो रिसर्चर ने क्या कहा, इस हेटरोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। ग्रुप्स में किस तरीके से डिवाइड कर लिया, मेन को एक जगह रख लिया, एक ग्रुप में मेन रख लिया, एक ग्रुप में वीमेन आ गई और एक ग्रुप में चिल्ड्रंस। सो यहाँ पर रिसर्चर ने क्या किया, हेटरोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। देन रिसर्चर्स के बाद क्या करेंगे, इन ग्रुप्स में से रैंडमली किसी भी पर्सन को सिलेक्ट करेंगे और वो उनका सैंपल बन जाएंगे। सो इस पर इन लोगों पर रिसर्च, अपनी रिसर्च परफॉर्म करेंगे। सो ये हो जाती है आपकी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। सो ये डेफिनेशन होगी आपकी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की। देन ऑप्शन बी आपको गिवन है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आप कुछ इंटरवल डिसाइड कर लेते हो और उस इंटरवल पर अपने सैंपल्स को सिलेक्ट कर लेते हो, लेकिन डेफिनेशन में आपको ऐसा कुछ गिवन नहीं है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो याद रखिएगा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आप कब यूज करेंगे, जब आपकी पॉपुलेशन होमोजीनियस हो, लेकिन क्वेश्चन में हमें हेटरोजीनियस पॉपुलेशन गिवन है यहाँ पर। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होते हैं, इसमें भी आपकी जो पॉपुलेशन होगी वो होमोजीनियस होगी और आप एज इट इज ग्रुप डिवाइड कर लेते हैं और ग्रुप में से क्लस्टर को पूरा एज इट इज रैंडमली उस क्लस्टर को सिलेक्ट कर लेते हैं और उस पर रिसर्च परफॉर्म करते हो। सो यहाँ पर क्लस्टर सैम्पलिंग नहीं होगा, क्योंकि क्लस्टर सैम्पलिंग में भी आप होमोजेनियस पॉपुलेशन सिलेक्ट करते हो। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। सो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की। नेक्स्ट, मीन, मीडियन एंड मोड फॉर द फॉलोइंग डेटा विल बी 45, 54, 76, 78 एंड 76। इस क्वेश्चन में हमें एक डेटा गिवन है और इस डेटा का हमें मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड आउट करना है। सो याद रखिएगा, मीन, मीडियन एंड मोड ये तीनों भी आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब आपका डेटा किस तरीके से स्प्रेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो उस डेटा का आप मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड आउट करते हो। अब इस केस में आपको डेटा गिवन है और हमें इस डेटा का मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड आउट करना है। सो मीन के लिए आपका क्या फॉर्मूला होता है, मीन इज इक्वल्स टू आपके पास जो भी डेटा होता है उसको आपको ऐड करना है बस। जैसे 45 + 54 + 76 + 78 + 76 और टोटल नंबर कितने गिवन है आपको, 1, 2, 3, 4, 5, तो डिवाइडेड बाय 5। तो आप इसको सॉल्व करिएगा, आंसर आएगा आपका 329 डिवाइडेड बाय 5, देन इसका आपका आंसर आ जाएगा 65.8। सो ये हो गया आपका मीन। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन मतलब आपका जो डेटा आपको गिवन है उसमें जो मिडिल वैल्यू होगी उसको हम कहते हैं मीडियन। आपके डेटा की मिडिल वैल्यू और यू कैन से सेंटर वैल्यू को हम कहते हैं मीडियन। अब जैसे कि इस डेटा में अगर मैं लेफ्ट साइड से आती हूँ तो थर्ड नंबर पर 76 आ रहा है और राइट साइड से मैं अगर मैं आती हूँ तो थर्ड नंबर पर
76 आ रहा है। दैट मीन्स इस डेटा में आपकी जो मिडिल वैल्यू होगी वो होगी 76। सो इस केस में आपकी जो मीडियन की वैल्यू होगी वो होगी 76। सो आपका जो मीडियन की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 76। देन मोड, मोड क्या होता है? मोड का मतलब होता है आपके पास जो भी डेटा है उस डेटा में ऐसा नंबर जो सबसे मैक्सिमम बार रिपीट हो रहा है। सो आपको एक डेटा गिवन है, इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 76। सो इस केस में आपका जो मोड है वो हो जाएगा 76। सो आपका जो मीन है वो है 65.8, 65.8 आपको ऑप्शन सी में गिवन है। मीडियन आपका 76 आएगा एंड मोड भी आपका 76 हो जाएगा। सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, याद रखिएगा, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है मीन मीडियन एंड मोड क्या होता है, आपको बस इतना ही याद रखना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। 65 आ जाएगा, 65.8 आपका मीन होगा, मीडियन 76 एंड मोड इज 76। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट If the variance of a sample is 64, the standard deviation will be. इस क्वेश्चन में हमें सैंपल का वेरियंस गिवन है जो कि है 64 और हमें स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? मान लीजिए आपके पास कुछ डेटा है और वो डेटा कुछ इस तरीके से स्प्रेड आउट है। अब इस डेटा में मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन इस केस में हो जाएगा माइनस सिग्मा, स्टैंडर्ड डिविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं और ये हो जाएगा आपका प्लस सिग्मा। अब स्टैंडर्ड डिविएशन आपको बताता है कि आपका जो डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है वो मीन से, ये आपका मीन हो जाएगा, मीन से कितने दूर है, ये बताता है आपको स्टैंडर्ड डिविएशन। और स्टैंडर्ड डिविएशन का आपका फॉर्मूला हो जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ वेरियंस। वेरी सिंपल, वेरियंस की वैल्यू हमें गिवेन है विच इज 64, अंडर रूट ऑफ 64 का हो जाता है आंसर 8। सो स्टैंडर्ड डिविएशन आपका इस केस में हो जाएगा 8। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 8। नेक्स्ट, अ सैंपल साइज एन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन एज एन इंक्रीजेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि सैंपल का साइज है जो कि एन है, एक लार्ज पॉपुलेशन से सैंपल को सिलेक्ट कर लिया। अब इस केस में हमें ये गिवन है कि आपका जो सैंपल का साइज है जो एन है उसको इंक्रीज कर लिया। सो उस केस में कौन से स्टेटमेंट आपके ट्रू होंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपकी जो पॉपुलेशन है वो टोटल 100 पॉपुलेशन है, 100 पॉपुलेशन में से आपने 90 लोगों को सिलेक्ट कर लिया जो कि आपका सैंपल है, जो कि एन है, आपके सैंपल की साइज इस केस में क्या है, एन है। सो आपने बहुत ज्यादा पॉपुलेशन सिलेक्ट कर लिया। अब अगर आप सैंपल का साइज इंक्रीज कर रहे हो तो आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, हम देखते हैं। अगर आप सैंपल का साइज अगर इंक्रीज करते हो तो आपकी पॉपुलेशन को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन ए आपको क्या गिवन है, द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन डिक्रीजेस। आप कितना भी सैंपल लो आपकी पॉपुलेशन को कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है, आप क्योंकि सैंपल पर आप रिसर्च करते हो, आप सैंपल पर स्टडी परफॉर्म करते हो, ना कि पूरी पॉपुलेशन पर। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी आपको गिवन है, द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन इंक्रीजेस। अगेन जैसे मैंने कहा आपको, क्योंकि हम सैंपल पर रिसर्च और सैंपल पर स्टडी परफॉर्म करते हैं पॉपुलेशन पर नहीं, सो पॉपुलेशन का यहाँ पर कोई लेना देना ही नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब रह गई बात आपके ऑप्शन बी और सी की। सो ऑप्शन बी और सी बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। ऑप्शन बी आपको बता रहा है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन इज डिक्रीजेस, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन रिमेन्स अनचेंज। यहाँ पर बता रहा है कि अगर जितना ज्यादा पॉपुलेशन लोगे उतना ज्यादा आपका जो सैंपल का मीन है वो डिक्रीज होगा। मतलब जैसे अगर आपने ज्यादा पॉपुलेशन ले लिया, सॉरी ज्यादा सैंपल लिया पॉपुलेशन में से,
और आपका जो रिजल्ट आ रहा है सेम पॉपुलेशन की तरह आएगा, मतलब आपका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा आपका डेटा, मतलब यहाँ पर एरर बहुत कम आएगा आपको, क्योंकि आपका जो सैंपल का साइज है बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा आपका सैंपल का साइज होगा उतना ज्यादा आपका एरर होगा, सॉरी उतना कम आपका एरर होगा, उतना कम एरर होता है तो आपका मीन का डिफरेंस भी, आपका जो मीन का डिफरेंस होगा मतलब पॉपुलेशन का जो मीन होगा और जो सैंपल का मीन होगा इनमें बहुत कम डिफरेंस होगा, ज्यादा एरर नहीं होंगे, इसलिए आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल का जो मीन होगा आपका वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल मीन डिक्रीज। ओके, क्योंकि अनचेंज नहीं होगा, क्योंकि हम सैंपल पर स्टडी करते हैं तो ऑब्वियसली अगर सैंपल पर आप स्टडी कर रहे हो तो कुछ ना कुछ आपको चेंजेस तो दिखेगा है ना। अगर आप सैंपल पर स्टडी कर रहे हो तो आपको सैंपल पर चेंजेस कैसे नहीं दिखेंगे, तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज टू। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पर्पस क्या होता है। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम क्यों करते हैं, ये देखने के लिए जो हमारी नल हाइपोथेसिस है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और रिजेक्ट कर लेते हैं। दो ही वेज होते हैं, अगर हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो हम नल हाइपोथेसिस को या तो एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर रिजेक्ट कर लेते हैं। ये दो ही चीज करते हैं जब भी हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है, उसके थ्रू हम देखते हैं कि हाइपोथेसिस का पर्पस क्या होगा करेक्ट। अब ऑप्शन ए देखते हैं हम, टेस्ट हाउ फार द मीन ऑफ सैंपल इज फ्रॉम जीरो। हम हाइपोथेसिस टेस्ट इसलिए नहीं करते कि जो हमारा सैंपल का मीन है, सैंपल से हमको जो भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो जीरो से कितना दूर है, ये देखने के लिए हम हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी देखेंगे हम, डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ द सिग्निफिकेंस लेवल। हम सिग्निफिकेंस लेवल को डिटरमाइन करने के लिए भी हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हैं। अब सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है, सिग्निफिकेंस लेवल वो होता है जब भी आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो तो आप आपके जो रिजल्ट्स है उसमें कुछ एरर अलाउ करते हो। अब मान लीजिए आपने आपका जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो आप 1% रखते हो और या फिर 5%, या तो आप 1% रखोगे या फिर 5%। अगर आपने आपका सिग्निफिकेंस लेवल 1% रखा है मतलब आप सिर्फ आपके स्टडी में 1% एरर को अलाउ करोगे, मतलब आपके जो 99% जो भी रिजल्ट आएंगे वो सही होंगे। और सिग्निफिकेंस लेवल आपने अगर 5% रख दिया मतलब आप जो आपकी रिसर्च में एरर अलाउ करेंगे वो 5% अलाउ करेंगे, मतलब 95% आपके जो रिजल्ट आएंगे वो करेक्ट आएंगे। सो ये डिटरमाइन करने के लिए भी आप हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस के अप्रोप्रिएट वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए आप हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते, बल्कि ये देखते हो कि नल हाइपोथेसिस को हमको एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। हम नल हाइपोथेसिस को किसी वैल्यू को डिटरमाइन नहीं करते, आपको याद रखना है, किसी वैल्यू को डिटरमाइन नहीं करेंगे नल हाइपोथेसिस की। हम बस ये देखते हैं कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है फिर रिजेक्ट करना है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, डिटरमाइन वेदर द स्टैटिस्टिकल रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट। मतलब अब मान लीजिए हाइपोथेसिस टेस्ट, हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस इज नथिंग बट एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो रिसर्च अपने रिसर्च में अपने गेसेस पर ले डाउन करते हैं और उसको अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं। अब मान लीजिए एक हाइपोथेसिस है कि वाटर अगर इंक्रीज करते हैं तो प्लांट की ग्रोथ भी इंक्रीज होगी, ये मेरी एक हाइपोथेसिस है। अगर मैं प्लांट को वाटर ज्यादा दे रही हूँ तो प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा होगी। अब इससे जो रिजल्ट आ रहे हैं, इससे जो रिजल्ट आएंगे मतलब वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं, मैं ये चेक करने के लिए हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस। ओके, हम हाइपोथेसिस टेस्ट इसलिए करते हैं स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस है या फिर नहीं ये देखने के लिए। अब स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस का मतलब क्या हो रहा है, आपके जो रिजल्ट हो रहे हैं वो बाय चांस आ रहे हैं या फिर आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मतलब जो वाटर है कि वाटर की वजह से ही ग्रोथ हो रही है या फिर नहीं, आप ये देखते हो। ओके, अगर वाटर की वजह से ग्रोथ हो रही है तो आप क्या करोगे, जो आपकी नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर लोगे। अगर वाटर की वजह से ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपकी नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट कर लोगे। सो ये हो जाती है आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पर्पस। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पर्पस ये होता है कि डिटरमाइन वेदर अ स्टैटिस्टिकल रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट, द मेन पर्पस ऑफ वर्किंग ऑन अ रिसर्च प्रॉब्लम इज टू, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्च प्रॉब्लम जो होती है आपकी, उस पर हम वर्क करते हैं, तो उसका पर्पस क्या होता है? रिसर्च प्रॉब्लम पर हम वर्क क्यों करते हैं, उसका मेन पर्पस क्या होता है, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो पहले हम ऑप्शन सी देखते हैं, एनालाइज डेटा। हम डेटा को एनालाइज करने के लिए रिसर्च प्रॉब्लम पर हम इसलिए वर्क नहीं करते कि किसी डेटा को एनालाइज करें। सो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन रहेगा आपका ऑप्शन ई एंड बी। ऑप्शन ए, वेरीफाई द प्रॉब्लम। यस, आप जब भी रिसर्च प्रॉब्लम पर वर्क करते हैं, आप रिसर्च प्रॉब्लम को तो वेरीफाई तो करोगे कि वो रिसर्च प्रॉब्लम पर्टिकुलर है क्या, उसको डिफरेंट डिफरेंट वे से वेरीफाई करोगे। लेकिन जो रिसर्च प्रॉब्लम का पर्पस, मेन पर्पस ये नहीं होता कि प्रॉब्लम को वेरीफाई करे। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, फाइंड आउट द बेस्ट सोल्यूशन। सो आप रिसर्च प्रॉब्लम पर इसलिए वर्क करते हो ताकि आपको कुछ ना कुछ उसका बेस्ट सोल्यूशन निकल कर आए। वेरीफाइंग द प्रॉब्लम ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हमें मेन पूछा है इस क्वेश्चन में, हमें मेन पर्पस पूछा है। सो मेन पर्पस होता है रिसर्च प्रॉब्लम का, आप रिसर्च प्रॉब्लम पर इसलिए वर्क करते हो ताकि आपको उस प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको मिल जाए। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फाइंड आउट द बेस्ट सोल्यूशन। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म बाय ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है स्टैटिस्टिक से मिलने वाले डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं। सो हमें पहले पता होना चाहिए स्टैटिस्टिक क्या होता है। स्टैटिस्टिक मतलब आपके जो सैंपल्स है, सैंपल्स आपको जो भी डेटा मिल रहा है उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका सैंपल का मीन। ओके, अब जैसे मान लो मेरे पास एक पॉपुलेशन है, उसमें से ये जो रेड है ये मेरे सैंपल्स है। ओके, अब मुझे ये जो सैंपल्स है इनसे मुझे मीन मिल रहा है, तो ये मेरे सैंपल वन है, सो मैं ये लिखूंगी म्यू वन। ये सैंपल टू है, सो ये हो जाएगा म्यू टू। ये सैंपल थ्री है, म्यू थ्री। सैंपल फोर है, म्यू फोर। ओके, ये मेरे सैंपल का मीन मिल गया मुझे। अब सैंपल का जो मीन है, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है मुझे सैंपल से, मैं उसको कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। ये मेरा म्यू वन है, ये आपका सैंपल है एक्स एक्सिस पर। ये म्यू टू है, ये म्यू थ्री है, ये म्यू फोर है। सो ये कुछ सैंपल इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मेरा डेटा कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ओके, सो मतलब स्टैटिस्टिक से मिलने वाले डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, स्टैटिस्टिक का मतलब ये होता है कि सैंपल से जो मिल रहा है हमको डेटा, उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक, और स्टैटिस्टिक से मिलने वाले डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू टुमारो।